नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे दोस्तों हम पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना। यदि आपके पास फोटोशॉप नहीं है या फिर आपको फोटोशॉप चलाना नहीं आता है तो भी आप इजीली पासपोर्ट साइज फ़ोटो वन क्लिक में बना सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों मैं यूज करूंगा कटआउट डॉट प्रो, एक वेबसाइट जहाँ से हम बहुत ही आसानी से वन क्लिक में पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना सकते हैं। तो हम अपना ब्राउजर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हमको टाइप कर देना है कटआउट डॉट प्रो। यहाँ पर देख सकते हो कटआउट डॉट प्रो की वेबसाइट सबसे ऊपर है, इसी पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे मेरे को आना है प्रोडक्ट में और यहाँ पे जैसे ही मैं माउस पॉइंटर को लेके आया तो यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन हमको देखने को मिल जाते हैं। तो मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पे पासपोर्ट फोटो मेकर पर क्लिक करूँगा। यहाँ से हम बहुत सारे टास्क कर सकते हैं, फ़ोटो को कलराइज करना या फिर बैकग्राउंड रिमूव करना, ये सारे काम यहाँ से हम कर सकते हैं, ब्लर करना बैकग्राउंड को। तो यहाँ पे मैं पासपोर्ट फोटो मेकर पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे हमको अपलोड इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें अपना जो इमेज है उसे सेलेक्ट करके इस तरह से ओपन कर लेना है, यानी कि अपलोड कर देना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने जो इमेज है वो अपलोड किया तो यहाँ पर देख सकते हो ये प्रोसेसिंग चल रही है। थोड़ी देर हमको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे सामने ये विंडो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले पेपर का साइज़ सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला, ठीक है। अभी के लिए मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हैं वो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अभी हमें चार ही फ़ोटो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा फ़ोटो आएँ तो यहाँ पे सिंपल हम सेलेक्ट कर लेंगे A5 या फिर A4। जैसे A5 में सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे सामने 15 फ़ोटो यहाँ पे आ चुके हैं। उसी तरह से मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा A4 तो यहाँ पे 30 फ़ोटो हमें दिखाई जाएंगे। तो यहाँ पे 30 फ़ोटो हम ईजिली बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, अभी के लिए मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ इसमें कस्टमाइजेशन कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं इंडिया टाइप करूँगा, इंडिया मैंने टाइप किया तो यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड जो भी आपको पासपोर्ट साइज़ पैन कार्ड के लिए या फिर वीज़ा के लिए जो भी जिसके लिए भी आप पासपोर्ट साइज़ बनाना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज करूँगा बैकग्राउंड का, तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा, कलर वाले ऑप्शन पर आऊँगा और यहाँ पर मैं कई सारे मेरे को बैकग्राउंड कलर मिल जाते हैं, इनको मैं यूज कर सकता हूँ। आपको इनमें से कोई पसंद है तो आप ईजिली सेलेक्ट कर सकते हो, अन्यथा आप यहाँ पर क्लिक करके और भी बहुत सारे कलर हैं इनको आप सेलेक्ट करके आप अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में यूज कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं आऊँगा आउटफिट में और मैं ये जो ड्रेस है इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आउटफिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा, थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग लेगा। अभी देखिए यहाँ पर ये साइनअप के लिए बोल रहा है तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये इसको सेलेक्ट कर लेता हूं मैं अपनी जीमेल और कंफर्म कर देता हूं। कंफर्म करने के बाद हमारा अकाउंट यहां पे बन चुका है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे आउटफिट पे क्लिक करूंगा। आउटफिट पे क्लिक करने के बाद इस वाले आउटफिट पे मैंने जैसे ही क्लिक किया थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग ले रहा है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारी जो ड्रेस है वो चेंज हो जाएगी। देख सकते हो हमारी ड्रेस चेंज हो चुकी है। जो भी आपको अच्छी लगे वो आप ड्रेस ले सकते हो, यहाँ पर आउटफिट चेंज कर सकते हो। ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं इसे ही रखूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पर हमारी आउटफिट है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। अब यदि आप किसी फीमेल के लिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना रहे हो तो आपको यहाँ पे आना है वुमेंस पे, तो वुमेन से रिलेटेड यहाँ पे जो भी आउटफिट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे कोई चिल्ड्रंस के लिए आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना रहे हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो चिल्ड्रंस से रिलेटेड यहाँ पर हमें आउटफिट देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं डन पर क्लिक करता हूँ, मेरे को यही करना था। तो उससे पहले मैं यहाँ पर क्रॉप वाले आइकन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं A4 सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारे सामने 30 फोटोज आ चुके हैं। यहाँ पे मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सारे जो फोटोज़ हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल डाउनलोड HD पे क्लिक करूँगा। उससे पहले यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ JPG और यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देख सकते हो हमारा ये इमेज डाउनलोड हो चुका है, हमें सेव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया है, लेकिन अगर मैं सेकेंड टाइम इसको यूज करूँगा तो यहाँ पे मेरे को पैसा देना पड़ेगा, कुछ क्रेडिट्स मेरे को परचेज करने पड़ेंगे, तब जा करके मैं ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना सकता हूँ।
तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पे और देखते हैं हमारी पासपोर्ट साइज फोटो को। यहाँ पे मैंने सेव किया था, ये डेस्कटॉप पे ये आ चुका है। डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो ये देख सकते हो हमारी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो एकदम प्रॉपरली यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना सकते हैं, ड्रेस चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम हम इजीली कर सकते हैं वन क्लिक में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट इस चैनल पर लाते रहते हैं। हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।